ठीक है, अब इंटीजर्स के भी अलग अलग टाइप रहते हैं, अलग अलग टाइप इन द सेंस कैसे रहते हैं, जैसे कि ग्लास हुआ, बाल्टी हुआ, टब हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, वैसे इंटीजर्स के टाइप्स होते हैं। जब तुम्हें छोटा नंबर यूज एक स्टोर करना है तब तुम बाइक यूज करोगे, जब तुम्हें थोड़ा बड़ा नंबर यूज करना है लाइक कैसे 5 डिजिट के ऊपर वाला नंबर यूज करना है, ठीक है, तब तुम शॉर्ट यूज करोगे। जब तुम्हें उससे बड़ा नंबर यूज करना है लाइक अपना फोन नंबर स्टोर करना है तब तुम ये यूज करोगे, क्या कहते हैं, इंट यूज करोगे। और जब तुम्हें बहुत लंबा नंबर स्टोर करना है तब तुम लॉन्ग यूज करोगे, ठीक है। अभी इसके ऊपर तुम्हारे प्रैक्टिस नहीं बैठेगी कि क्या कब यूज करना है, बट हम लोग जब प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तब इसके ऊपर तुम्हारा हाथ बैठ जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज करना अप्रोप्रिएट रहेगा, राइट। सो अभी के लिए यही थे बेसिक डेटा टाइप्स। हम लोग क्लियरली इसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, लाइक इंटीजर्स के क्या क्या रहते हैं, स्ट्रिंग के साथ हम लोग कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डेटा टाइप रहते हैं। ऑन दी अपर सेट, ठीक है, तो बुलियन रहते हैं, बुलियन के बारे में बताया था पहले किसी ने, ऋतुजा? नो सर, ओके, सो बुलियन क्या रहता है, बेसिकली जब तुम किसी को पूछो कि जब तुम किसी को यस या नो में बस आंसर पूछो, जैसे कि तुम्हारे स्कूल में ऐसा आता है ना, ट्रू फॉल्स आता है, राइट, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते ही हैं। सर ने जब बताया था, बट ये डेटा टाइप का नाम नहीं था, उन्होंने हमें एग्जांपल में हेल्प करने के लिए दिया था ये। तो उन्होंने बेसिकली वेरिएबल में आपको ट्रू फॉल्स दिखा दिया होगा लेकिन बताया नहीं कि वो वेरिएबल को क्या कहते हैं, राइट, ये कह रहे हो ना? सर ने बताया था वेरिएबल्स, बट डेटा टाइप्स बताया था, उसमें स्ट्रिंग है, बट स्ट्रिंग में कौन आते वो नहीं बताया था। तो कोई नहीं, ये हम लोग क्लियरली इस बार अंडरस्टैंड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो आराम से हम लोग एक एक घंटा बैठने वाले हैं तो आराम से ये सब क्लियर हो जाएगा 2 वीक्स में, ठीक है। तो स्ट्रिंग पहले, सबसे पहले हमारा क्या आ गया, बुलियन। तो बुलियन में तुम बुलियन तो बुलियन में क्या आता है, ट्रू और फॉल्स आता है, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि तुम्हारे एग्जामिनेशन में तुम्हें आंसर पूछा जाता है कि ये ट्रू फॉल्स का आंसर बताओ, तो तुम ट्रू या फॉल्स लिखते हो, राइट। अब बताओ कि अगर समझ लो तुम किसी को यस या नो में क्वेश्चन पूछो, ठीक है, तो उसके दो ही आंसर हो सकते हैं, यस मतलब ट्रू, मतलब राइट, ट्रू नहीं तो फॉल्स हो सकते हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग बुलियन डेटा टाइप यूज करेंगे, समझ रहे हो? मतलब समझ लो जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन जब तुम एग्जिट करने जाते हो तो वो तुमको पूछता है, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, यस या नो। नहीं सर, डेनी और अलाउ, डेनाई और अलाउ। हाँ, अलाउ, अलाउ नहीं तो डिनाई, राइट, तो वो ले लेते हैं, ठीक है, अलाउ या डिनाई। तो इसका इसके आंसर्स कितने हो सकते हैं, उसने तुमको क्वेश्चन पूछा अलाउ या डिनाई, इसके आंसर्स कितने हो सकते हैं, वन एक एक मैक्सिमम हो सकता है। दो हो सकते हैं, या तो तुम अलाउ करोगे या तो तुम डिनाई करोगे, राइट शुभम? तो अगर यस तुम अलाउ सर, कर रहे हो तो वो काइंड ऑफ ट्रू हुआ, और अगर तुम डिनाई कर रहे हो तो वो काइंड ऑफ फॉल्स हुआ, राइट। यस सर, तो ऐसे जगह पे तुम बुलियन डेटा टाइप्स यूज कर सकते हो। तो नंबर्स के बारे में तो हम लोग को पता चल गया, जैसे कि तुम अपना फोन नंबर स्टोर करने वाले हो, तुम अपना मार्क स्टोर करने वाले हो, तो ऐसे टाइप के लिए तुम कौन सा वेरिएबल यूज करोगे, इंटीजर टाइप मतलब नंबर टाइप वेरिएबल, ठीक है। और स्ट्रिंग के बारे में भी तुमको पता चल गया, हर स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली हम लोग सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, सब कुछ, ठीक है, लाइक हम लोग स्ट्रिंग के अंदर में सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को जब स्पेसिफिकली पता है कि नहीं यार तुम्हारा फोन नंबर तो नंबर होने वाला है, कुछ इंटीजर्स होने वाले हैं, तो हम लोग नंबर यूज करेंगे, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा नंबर को मैं स्ट्रिंग के अंदर में नहीं लिख सकता, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग आएंगे। तो स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर में लिखने से भी कुछ बेनिफिट्स होंगे, कुछ क्या कहते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, तो जब हम लोग इसके ऊपर कोड करेंगे तब वो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। बाइट्स एंड बाइट्स एरे, ठीक है, तो बाइट्स एंड बाइट्स एरे क्या रहता है, बहुत जगह पे तुम्हें फॉर्म में पूछा रहता है कि तुम अपना इमेज अपलोड करो, राइट, पहले इमेज अपलोड किया है नहीं तो कुछ वैसा किया है कोई वेबसाइट में जाके, फेसबुक यूज किया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब यूज किया है, व्हाट्सएप यस सर, फेसबुक नहीं। तो व्हाट्सएप में प्रोफाइल पिक्चर अपडेट किया होगा, राइट यस सर, ऋतुजा? हाँ, तो वो क्या मांगता है जब प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करना होता है, तो क्या मांगता है तुम्हें?
कोई एक इमेज दो, कोई एक फोटो दो, राइट? तो वैसे जगह पे हम लोग बाइट्स और बाइट्स एरे यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग यूजर से नहीं तो एक इमेज को लेके काम कर सके, राइट? ओके, तो इसके ऊपर हम लोग क्लियरली बात करेंगे। अभी थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर ऊपर से जा रहा होगा क्योंकि हम लोग कोड नहीं कर रहे, तो जब हम लोग कोई चीज कोड नहीं करते कोडिंग में और प्रोग्रामिंग में तो हमें याद नहीं रहती, एक चीज है, ठीक है। तो हम लोग लिस्ट के बारे में आते हैं। लिस्ट क्या होता है बेसिकली, समझ लो अगर अगर मैं तुमको एक तुम्हारे क्लास के सारे बच्चों का नाम पूछूं, राइट, तो उसको तुम कहाँ पे नंबर्स में स्टोर करोगे क्या? पूजा नहीं, नंबर्स में और बुलियन में? ऋतुजा, तो ऐसा केस में एस, आई एम नॉट श्योर मेरा नेटवर्क है या तुम्हारा नेटवर्क ऋतुजा, बट आई गेस ब्रेक हो रहा है। शुभम तुम्हें भी थोड़ा सा आवाज का लैग हो रहा है क्या ऋतुजा? यस सर, आई एम गेटिंग सो मेनी ब्रेकिंग आउट वॉइस फ्रॉम हिम। हाँ, सो बेसिकली जब तुम्हें एक लिस्ट ऑफ नाम नहीं तो लिस्ट ऑफ डेटा के साथ काम करना हो, ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोलूँ तुम्हारे सारे क्लास के बच्चों का नाम मेरे को दो, ठीक है, तो तुम वो मेरे को नंबर में नहीं दे सकते क्योंकि वो इंटीजर तो है नहीं, बुलियन में भी नहीं दे सकते क्योंकि वो ट्रू फॉल्स तो नहीं है, स्ट्रिंग में भी नहीं दे सकते क्योंकि स्ट्रिंग छोटा पड़ जाएगा। ओके, स्ट्रिंग में हम लोग को पता कैसे चला कि शुभम, तुम शुभम और ऋतुजा का नाम अलग अलग कैसे लिखोगे, ठीक है, तो तुम वहां पे लिस्ट यूज करते हो। लिस्ट क्या रहता है, लिस्ट या तो एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है या तो एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स हो सकता है। तो जब तुम बहुत सारे एक डेटा टाइप के बहुत सारे क्या कहते हैं इंस्टेंस को स्टोर करना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि मैं अगर बोलूंगा तुम अपने क्लास के सारे बच्चों के रोल नंबर्स दे दो, तो तुम एक एक रोल नंबर्स को काइंड ऑफ नंबर्स में स्टोर करोगे और वो नंबर्स का एक लिस्ट बना के मेरे को दोगे। सिमिलरली मैं अगर बोलूंगा तुम्हारे क्लास के सारे बच्चों का नाम मेरे को ला के दो, तो सारे बच्चों का नाम को तुम स्ट्रिंग में स्टोर करोगे और वो स्ट्रिंग का एक लिस्ट बना के मेरे को दोगे, राइट? तो बेसिकली लिस्ट का काम वही है। समझ में आया शुभम? ऋतुजा, यस सर, यस सर, समझ में आ गया तुम्हें? यस सर, आ गया। और टपल का लाइक वी वांट एनीथिंग फ्रॉम शॉपकीपर, सो वी गिव हिम लिस्ट, सो दे गिव, राइट राइट। तुम्हारी मम्मी भी जब ये क्या मंथली मंथली क्या क्या सामान आएगा उसका वो एक लिस्ट बनाती है, राइट? अब उसके ऊपर अब तुम्हारी मम्मी क्या करती है, बेसिकली एक शॉप पे तो मैक्सिमम टाइम सामान सारा नहीं आता होगा, अगर तुम देखे होगे, तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स में जाते होगे, मे बी आटे के शॉप में जाते होगे, वहां से आटा लेके आते होगे, तुम फिर क्या कहते हैं ग्रोसरीज के शॉप में जाते होगे, वहां से सब्जी लेके आते होगे, राइट? तो तुम्हारी मम्मी क्या करती है, वो एक ऐसा लिस्ट बनाती है जिसमें वो बोल देती है कि हाँ पहले मैं ये क्या कहते हैं आटा वगैरह सामान ले आऊंगी, फिर मैं ग्रोसरीज ले आऊंगी, तो वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाती है, राइट? कि वो जैसे एक एक दुकान से मूव करती जाएगी वैसे वैसे वो अलग अलग दुकान से सामान लेते आएगी। तो जब हम लोग एक ऑर्डर लिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं तब हम लोग को टपल्स का यूज करना होता है, समझ रहे हो? अगर मैं तुमको बोलूंगा कि तुम अपने सारे क्लास के बच्चों का नाम मेरे को सीरियली ला के दो, सीरियली मतलब ए से पहले जिनका नाम आता होगा वो ए में रहेंगे, फिर बी वाले आएंगे, फिर सी वाले बच्चे आएंगे, फिर डी वाले नाम के बच्चे आएंगे, राइट? ऐसे ही होता है ना तुम्हारे अटेंडेंस ऐसे सर, मतलब जो बच्चा सबसे ज्यादा मतलब हल्ला कर रहा हो उसका उसमें उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद जो कम हल्ला कर रहा है वैसे। हाँ, जैसे भी अगर हाँ अगर तुम प्रीफेक्ट हो और तुम्हें टीचर बोले कि जो भी बच्चा नॉइज मचा रहा है उसका क्या कहते हैं नाम लिखते जाओ और तुम टपल में लिखो, तो तुम कैसे लिखोगे? सबसे ऊपर जो सबसे ज्यादा हल्ला कर रहा होगा उसका नाम लिखोगे, उसके नीचे उससे कम वाला, उसके नीचे उससे कम वाला, राइट? यस सर, समझ में आया? ऋतुजा तुम्हें? यस सर। हेलो सर। बोलो ऋतुजा, बोलो ऋतुजा, आ रहा है। सॉरी ऋतुजा तुम्हारा वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक बार रिपीट करोगी? एक काम करो तुम चैट में लिख दो, अगर हो रहा है तो चैट में लिख दो क्योंकि क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस तुम्हारा, थोड़ा सा ऋतुजा ब्रेक हो रहा है। शुभम तुम्हें वॉइस आ रही थी कि क्या क्लियर ऋतुजा की? नो सर, आई एम आल्सो गेटिंग ब्रेक ऑफ वॉइस फ्रॉम यू। हो रहा है तो चैट में लिख दो ऋतुजा, मैं पढ़ लो, नहीं तो अगर अभी थोड़ा सा नेटवर्क ठीक है तो बोल लो, कोई इशू नहीं, टॉपर में भी आएगा ना। हाँ, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि टॉपर का लिस्ट बना के दो, रिजल्ट्स आने के बाद टॉपर्स का लिस्ट बना के दो, तो जो सबसे जो रैंक वन में आएगा उसका नाम पहले लिखा होगा, जो रैंक टू में आएगा उसका नाम उसके बाद में लिखा होगा, राइट? समझ में आया ऋतुजा? ठीक
ठीक है, तो सिमिलरली तो वैसे सेट्स आते हैं, ठीक है, सेट्स लेकिन क्या रहता है, ऑन अनऑर्डर रहता है, ठीक है। तो बेसिकली जब मैं बोलूं कि तुम अपने क्लास के बस बच्चों का नाम के नाम लाके दे दो, ठीक है, और मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चाहिए, नहीं तो उनके रैंकिंग के हिसाब से चाहिए, नहीं तो कौन ज्यादा हल्ला उसके हिसाब से चाहिए, तो तुम मुझे एक सेट लाके दे सकते हो जिसमें ऐसे ही रैंडमली नाम होंगे, ठीक है। कोई ऐसा हम लोग ऑर्डर जब फॉलो नहीं करेंगे तो वो सेट रहता है, सेट को हम लोग अनसॉर्टेड, नहीं तो हाँ अनसॉर्टेड लिस्ट भी कहते हैं, मतलब जिसका कोई कैसे जो शॉर्ट नहीं है, उस टाइप के लिस्ट को हम लोग सेट्स भी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया शुभम? ऋतुजा सर कैन यू टेल अगेन इट, कैन यू टेल, हाँ बोलो और एक बार सर, कैन यू टेल इट अगेन सर, बिकॉज़ आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट। हाँ देखो टपल में क्या रहता है, टपल बेसिकली जब तुम किसी ऑर्डर के हिसाब से, किसी सीक्वेंस के हिसाब से कोई चीज को सजा रहे होते हैं, लाइक तुमने सीक्वेंस से टॉपर्स का नाम मेरे को दिया तो उसे हम लोग टपल बोलेंगे, लेकिन जब तुम बिना किसी सीक्वेंस के ऐसे रैंडमली नाम देते हो मेरे को, तब हम उसको सेट बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेट में डेटा क्या कहते हैं, रैंडम रहते हैं, डेटा का कोई ये नहीं रहता कि क्या कहते हैं, और सेट अनऑर्डर्ड भी रहते हैं और म्यूटेबल भी रहते हैं। म्यूटेबल इन द सेंस समझ लो ऐसा हो सकता है कि टपल में ऐसा हो सकता है कि रैंक वन का नाम, रैंक वन वाले बच्चे का नाम तुमने दो बार मेरे को रैंक वन में दे दिया, ठीक है, तो वो टपल में एक्सेप्टेड है, तो तुम क्या किए होगे, रैंक वन इक्वल टू समझ लो लिख दिया तुमने रोहन, रैंक टू रैंक वन इक्वल टू रोहन और एक बार लिख दिया, ठीक है, तो वो चीज टपल में एक्सेप्टेड है। टपल में तुम क्या कहते हैं, डेटा को रिपीट कर सकते हो, बट सेट में तुम डेटा रिपीट नहीं कर सकते, बट सेट में कोई ऑर्डर भी नहीं रहेगा। अगर मैं तुमको टॉपर्स का लिस्ट भी मांग रहा हूँ सेट में, तो तुम मेरे को रैंडमली दे दोगे कि पहले रैंक टू का दे दिया, फिर रैंक टेन का दे दिया, फिर रैंक फाइव का दे दिया, समझ रहे हो ना, सेट में कोई ऑर्डर फॉलो हम लोग नहीं करते, लेकिन डेटा दो बार नहीं आता सेट में, डेटा की डेटा रिडंडेंसी सेट में नहीं होती, ठीक है। लेकिन टपल में हमारा क्या रहता है कि डेटा हमेशा ऑर्डर में आएगा और इम्यूटेबल रहता है डेटा, अब समझे शुभम? यस सर, मतलब रैंडम ही कोई दे सकता है। हाँ तो रैंडम डेटा जब हम लोग का है तब हम लोग सेट यूज करते हैं बेसिकली, समझ में आया ऋतुजा? अगर माइक इशू है तो तुम चैट में लिख दो, कोई इशू नहीं। हाँ हम लोग लाइन वाइज फॉलो नहीं करते सेट में, हम लोग लाइन वाइज टपल में फॉलो करते हैं, ठीक है। सो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं बेसिकली, जैसे टपल में ही बोल रही हूं, तो सेट बोल रही हूं क्या? नहीं सर मैं टपल में ही बोल रही हूं, लाइन वाइज यूज होगा। हाँ लाइन वाइज टपल में यूज होगा, हम लोग को सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम स्कूल में, हमारे स्कूल में था कि हम लोग को हाइट वाइज खड़ा करते थे, जिसका सबसे छोटा हाइट होगा वो असेंबली में सबसे आगे खड़ा होगा, राइट? तुम्हारे स्कूल में ऐसा होता है ऋतुजा? शुभम तुम्हारे स्कूल में? यस सर, पहले होता था बट अब हम सब अब सीनियर तो कोविड हो गया अब तो, अच्छा हाँ हाँ, तो कोई भी कहीं पे खड़ा हो सकता है, राइट? हाँ तो जब सीनियर हो गए तब तुम लोग अनसॉर्टेडली खड़ा होना स्टार्ट हो गए, तो जब तुम सीनियर हुए तब तुम सेट फॉलो करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन जब हमारे टाइम पे एक टीचर रहता था जो हम लोग को लाइन में एकदम हाइट वाइज खड़ा करेगा, ठीक है, तो वो जब yes. टीचर एक खड़ा करता है असेंबली में, वो टपल फॉलो करता है, वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है हाइट का, राइट? तो इसे बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, राइट? अब हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से स्ट्रिंग विंग के, इतना कुछ हम लोग ने देखा तो, ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली देखो एक वर्ड है, ठीक है, वो लिखो नहीं तो कुछ भी लिख दो, शुभम लिख दो, ठीक है। तो स्ट्रिंग बेसिकली हम लोग का एक वर्ड, जब हम लोग किसी वर्ड को नहीं तो किसी सेंटेंस को कोई एक, जब हम लोग अल्फाबेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं तब हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं, समझ में ऋतुजा शुभम? यस सर, ठीक है। और फिर आता है इंटीजर, जब हम लोग नंबर्स के साथ, जैसे कि मैंने तुम्हारा फोन नंबर मांगा नहीं तो मैंने तुम्हारा मार्क्स मांगा, ठीक है, तब हम लोग नंबर्स के साथ काम लेते हैं। लेकिन तुमने एक चीज नोटिस किया होगा, कभी कभी टेस्ट में इंटरनल सॉरी तुम्हारा मंडे टेस्ट हो नहीं तो यूनिट टेस्ट हो, होते हैं ना स्कूल में, या अभी नहीं होते, बंद हो गए? नहीं सर, अभी होते हैं, हमारे ऑनलाइन होते हैं। हाँ तो कभी 9.5 मार्क्स मिलते हैं, 8.5 मार्क्स मिलते हैं, राइट? मिलते हैं कि नहीं? ऐसे हमारे टाइम पे बहुत मिलते थे, हमारे टाइम पे 2. हाँ तो वैसे तो जब तुम्हें 0.5 मतलब पॉइंट के बाद भी कुछ स्टोर करना रहता है, मतलब जिसे हम लोग डेसिमल कहते हैं मैथ में, राइट? तो जब हम लोग को डेसिमल नंबर स्टोर करना होता है तब हम लोग डबल और फ्लोट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डेसिमल स्टोर किया है 3.14 का, ठीक है, तो इसको मैं 9.5 भी लिख दूँ, सॉरी
90.5 भी लिख दूं, तो जब हम लोग एक डेसिमल के बाद वाला नंबर स्टोर करेंगे तब हम लोग फ्लोट यूज करेंगे, राइट? समझ रहे हो ऋतुजा? यस यस सर। और फाइनली मैंने जो कहा था लिस्ट, जब तुम्हें बहुत बहुत सारी टाइप्स के डेटा टाइप्स को एक लिस्ट में देना हो तब तुम ये यूज करते हो। अगर जॉन पॉल ये सब क्या है, अगर तुम सिर्फ जॉर्ज को स्टोर करना रहेगा तो तुम कहाँ पे करोगे शुभम? सर हम स्ट्रिंग में करेंगे सर। राइट, हाँ हाँ तुम ही बताओ। सर स्ट्रिंग में, मैं भी वही बोलने वाली थी। हाँ सही है, स्ट्रिंग में ही। तो यहाँ पे लिस्ट क्या है, एक क्या कहते हैं कलेक्शन है स्ट्रिंग का, देख रहे हो बहुत सारे स्ट्रिंग वाले वेरिएबल्स को एक लिस्ट में मैंने क्या कहते हैं एनकैप्सुलेट करके दिया, एक लिस्ट में मैंने भर के दिया है, ठीक है? जब अगर एक नाम रहता तो मैं स्ट्रिंग में स्टोर कर लेता, लेकिन मैंने पूछा कि तुम्हारे क्लास के सारे बच्चों का नाम बोलो तो एक स्ट्रिंग में तो वो नहीं आएगा ना, तो तुमने मुझे एक लिस्ट दे दिया स्ट्रिंग का कि ये शुभम है, ये ऋतुजा है, ये पॉल है, ये राइनो है, तो ऐसे करके तुमने एक स्ट्रिंग दे दिया। समझ में आया, राइट? यस सर। ओके, सो आज हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, ठीक है? तो आज हम लोग इसी के साथ समराइज करते हैं, हम लोग ने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है? तो सबसे पहले तुम बताओ शुभम, सबसे पहले हम लोग ने क्या पढ़ा आज, क्या सीखा आज? सो वी स्टडी अबाउट व्हाट इज द यूजेस ऑफ पाइथन एंड व्हाट इट हेल्प इन आवर डेली लाइफ्स एंड व्हाट ये तो सीखा इट इज द फ्यूचर्स what are the strings, what are the... ऋतुजा तुम बता सकते हो इससे पहले हमने क्या सीखा था? सबसे पहले what is Python, उससे पहले what is coding, हमें क्यों करनी चाहिए, right? सर मैंने बताया तो सर, it is just word मैंने थे। शुभम आपकी आवाज बहुत फास्ट आ रही है इसलिए समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले आज हम लोग ने ये सीखा था कि कोडिंग क्या होता है, कोडिंग क्यों करनी चाहिए हमें, राइट? ठीक है, सेकंड में हम लोग ने क्या सीखा, पाइथन क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, ठीक है? थर्ड में हम लोग ने क्या सीखा शुभम, तुम बताओ? हम लोगों ने ये सारे सीखे, व्हाट आर द सेट्स, व्हाट आर द टर्स, कुछ ऐसे वेरिएबल्स। ऋतुजा को बताने दो, उन्होंने उन्होंने हाथ उठाया। हाँ ऋतुजा बताओ। सर डेटा टाइप्स पढ़े थे थर्ड में। राइट, डेटा टाइप्स पढ़े थे, तो क्या होता है डेटा टाइप्स, ये बताओ ऋतुजा। सर डेटा टाइप्स मध्य डेटा इन डेटा टाइप्स वहाँ पे वन सेकंड सर, डेटा टाइप्स में वहाँ पे स्ट्रिंग नंबर्स और अदर्स एक्सेट्रा आ जाते हैं सर, हमें पाइथन में यूज करना होता है। करेक्ट, तुम बताओगे शुभम क्या होता है डेटा टाइप्स? सर स्ट्रिंग, वेरिएबल्स, नंबर्स, सेट्स, टर्पल्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ने क्या सीखा कि लाइक स्ट्रिंग के बारे में कुछ बता दो शुभम, फिर ऋतुजा बताएगी नंबर्स। ओनली फॉर वन पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, बेसिकली वर्ड्स, अल्फाबेट्स, ठीक है, नंबर्स, yes. सब जा सकते हैं, राइट? ऋतुजा तुम इसके बारे में बताओ, नंबर्स के बारे में क्या होता है, नंबर्स इंटीजर्स। ओके सर, नंबर्स यस सर मैं बता रही हूँ, इंटीजर्स मतलब मैथमेटिकल नंबर्स हमें किसी का मतलब किसी का नंबर या कौन सा नंबर लिखना है, किसका मोबाइल नंबर लिखना है, किसी का मतलब इंटीजर नंबरिंग कोड लिखना है हमें, मतलब 1 2 3 4 ऐसा लिखना है और कुछ एक्सप्रेशन वहाँ पे लिखने हैं मैथमेटिकल, तो वो नंबर्स यूज होते हैं वहाँ पे। ठीक है, बुलियन के बारे में बताओ तुम शुभम, बुलियन क्या होता है? सर आइदर ट्रू और फॉल्स, यस या नो, कोई दो ऑप्शन, एक ऑप्शन दोनों में से कोई दो ऑप्शन चूज करना। ठीक है, करेक्ट है, और फिर लिस्ट के बारे में बता दो ऋतुजा। यस सर, लिस्ट मतलब लिस्ट में हमें एक लिस्ट में एक सीक्वेंस लेना है हमें, मतलब टॉपर्स के नेम, वहाँ पे हम किसी शॉप में जा रहे हैं तो शॉप हमें पहले क्या खरीदना है और बाद में क्या खरीदना है ऐसा लिखने का, और हमें कुछ नोटबुक हमें स्टडी करनी है, पहले कौन सी स्टडी करनी है बाद में कौन सी, इसे और लिस्ट में लिखने का है। ठीक है, करेक्ट है। शुभम टपल्स और इसके बारे में बता दो, सेट्स के बारे में बता दो।
सर सेट्स मतलब एनी रैंडम, मतलब कोई भी, मतलब इतने सारे बच्चे पास किए तो उसमें से कोई भी सभी नंबर ले सकते हैं। एंड टर्टल्स मतलब कौन सबसे फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन मतलब क्लॉक वाइज सीक्वेंस में नंबर्स। नाम लिखना, यस राइट? ओके, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट थे, दोनों ही सारे आंसर सही दिए। ठीक है, मैं काम करता हूँ, हम लोग को ये इसके बारे में पढ़ना है, लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, और कल थोड़ा सा हम लोग स्ट्रिंग और वेरिएबल्स के ऊपर ये भी करेंगे, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकली भी देखेंगे कोड करके कि कैसे हो रहे हैं स्ट्रिंग्स। और अगर हम लोग क्या कहते हैं इंटीजर में नाम स्टोर कर देंगे तो क्या इशू आएगा, अगर हम लोग नाम में इंटीजर स्टोर कर, सॉरी, अगर हम लोग इंटीजर में, सॉरी, स्ट्रिंग में अगर हम लोग नंबर यूज करेंगे तो क्या इश्यूज होंगे, तो कल ये सब देखेंगे। ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं ये PDF ग्रुप में डाल दूंगा, तो तुम रिवाइज कर सकते हो, राइट? इससे हम लोग मैथ ऑपरेशंस कल देखेंगे, मैथ ऑपरेशंस, और इसके बारे में लूप्स के बारे में देखेंगे कि लूप्स क्या क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या क्या होते हैं, और कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट किस केस में बेनिफिशियल रहता है, राइट? ओके सर, सर ये PDF ग्रुप में डाल दीजिए, हम कभी कभी पढ़ेंगे, मतलब क्लास हो ठीक गया, क्लास होने के पहले पढ़ेंगे, पढ़ के आएंगे। है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। श्योर, ठीक है। तो यहीं पे क्लास में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग क्लास कंटिन्यू करें। नो एनी डाउट्स सर, एक्सेस फॉर टुडे। ऋतुजा, तुम्हारा या तुम्हारा भी कोई? नहीं सर, नहीं। ठीक है, तो आज एक टास्क दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा टास्क है। ठीक है, आज तुम्हें सोचना है, तुम जितने एप्लीकेशन यूज करो अपने फोन में, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन यूज करो, आज तुम्हें बस सोचना है कि अगर तुम्हें बहुत अच्छी कोडिंग आती, नहीं तो अगर बहुत अच्छी तुम्हें वेब डेवलपमेंट आती, ऐप डेवलपमेंट आती, तो ऐसा क्या चीज है जो तुम बनाना चाहते हो। ठीक है, चाहे तुम अपना एक क्या कहते हैं अपना नाम का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहो, या तुम अपना क्या कहते हैं एक ड्रॉइंग बनाना चाहो, क्या कहते हैं HTML CSS में, या तुम कुछ भी, तुम आज बस सोचो कि तुम्हें क्या बनाना है। अगर तुम्हें कोडिंग बहुत मस्त लेवल की अगर कोडिंग आती तो तुम क्या बनाते, राइट? तुम्हें कुछ यूनिक सोच के आना है, राइट? कल मुझे बताना है कि क्या तुम बनाओगे, आइडिया, बस आइडिया, तुम्हें बनाना नहीं है अभी, बस आइडिया सोचना है कि अगर तुम्हें बहुत अच्छी कोडिंग आती तो तुम क्या बनाते, राइट? समझ में आया शुभम, ऋतुजा? यस समझ में आ गया। यस सर, ज्यादा टफ नहीं है, राइट, टास्क? यस सर, इट्स सो इजी। बस सोचना है। ठीक है, ठीक है, तो यहीं पे क्लास कंक्लूड करते हैं, और कल पहले मुझे ये बताना कि क्या तुम्हें बनाना है। ठीक है, तो इससे तुम्हें खुद इंस्पिरेशन मिलेगी। अगर समझ लो तुम्हारा कोई आइडिया ऐसा रहता है, प्रैक्टिकल आइडिया रहता है कि नहीं यार ये क्या कहते हैं 2 वीक के बाद मुझे अपना एक टेक्स्ट, क्या कहते हैं, अपना एक वॉइस असिस्टेंट बनाना है, सोच लो, नहीं तो अपना एक वेबसाइट बनाना है, छोटा सा सोच लो, कुछ भी, ठीक है, ताकि तुम अपने ये कोडिंग के जर्नी के बाद वो चीज बना पाओ और वो तुम्हें इंस्पायर करे कोडिंग सीखने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली कोडिंग सीखना तुम्हें, सॉरी, तुम्हारा आइडिया ही हमेशा तुम्हें इंस्पायर करने वाला है कुछ करने के लिए। ठीक है, तुम्हें मार्क्स हमेशा के लिए इंस्पायर नहीं करने वाले, तुम्हें ग्रेड्स हमेशा के लिए इंस्पायर नहीं करने वाले। तुम अगर चाहोगे तो नहीं यार मैं सारा प्रोग्रामिंग सीख लूँ, तो वो भी तुम्हें इंस्पिरेशन नहीं देगा। तुम्हें कुछ नया बनाना, कुछ क्रिएटिव करना, यही सब चीजें ही इंस्पिरेशन देने वाली है, एवर लास्टिंग इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये चीज सोच के आओ और कल मुझे बताना, राइट? ओके सर, यस सर। सो बाय, घर में रहना, बाहर मत जाना, ठीक है? और मैं ये PDF अपलोड यस सर, करूंगा, एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? बाय थैंक यू गाइस, सर, बाय सर। बाय।